बच्चे के लिए परिवार में एक स्मशानी बनाए, उसके अनुसार बच्चे का उठने से लेके सोने तक का। नमस्कार दोस्तों, आज स्किल डेवलपमेंट के दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ही परिवार में बच्चों को एक बेहतर कल दे सकते हैं। अक्सर जब बच्चे घरों में होते हैं तो स्वाभाविक एक गलती भी करते हैं और उन गलतियों का जो रिएक्शन अभिभावकों की तरफ से होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी कोई बच्चा कोई गलती करता है और अभिभावक सीधे तौर के ऊपर जो है वो बच्चे को डांटता है बिना समझाए कि इस गलती का मतलब क्या था, गलती जो तूने की इसका नुकसान क्या था, तो बच्चे को ना जीवन भर कई बात समझ नहीं आती है। बच्चा अक्सर गलतियां करते हैं और हम ये भी गलती बहुत बड़ी करते हैं कि जब कोई बच्चा जो है वो गलती करता है और अभिभावकों से सीधे तौर के ऊपर स्वीकार कर लेता है कि गलती मैंने की है, उसमें भी कुछ अभिभावक जो है वो क्रोधित मुद्रा में आ जाते हैं और बच्चे को डांट देते हैं। उसमें भी बच्चे की जो भावना है उनका आदर करना चाहिए और जो बच्चे ने गलती स्वीकार की उस गलती को बच्चे को समझाना चाहिए ताकि बच्चे को एहसास हो कि वाकई उसने कहा वो सही है और भविष्य में बच्चे को गलती ना करे। और भी कई प्रकार की जो परवरिश है वो हम अपने परिवार के माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा हो कि बच्चों के सामने अधिकतर अभिभावक जो है वो शराब का इस्तेमाल कर लेते हैं, मांस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपके बच्चे का जो कल है वो खराब हो सकता है। ऐसी जो हरकतें हैं, ऐसे जो काम हैं, इनसे अभिभावकों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के ऊपर अत्यंत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और उन्हें यकीन होता है कि जो उनके अभिभावक कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और जब उनको वो काम सही लगता है तो धीरे धीरे जो है उन बच्चों की दोस्ती भी उन गलत गतिविधियों के साथ जो है हो जाती है और वो बच्चा भी उन चीजों को साधन मान लेता है। तो बच्चे के लिए परिवार में एक स्मशानी बनाएं, उसके अनुसार बच्चे का उठने से लेके सोने तक का जो पूरा टाइम टेबल है, जो पूरी ड्यूरेशन है, वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो मैनेज करें ताकि बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल बने। घरों में अक्सर अभिभावक क्या गलती करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि घर का काम करना और अपने लिए काम करना ये सभी जो हैं वो शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा है। बच्चों को कभी काम से दूर ना करेंगे तो बच्चे जो हैं वो जो अपने विषय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे कि उनकी आत्मनिर्भरता जो है वो आहत होगी। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, सकारात्मक इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, हमें अपने परिवार में रखने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे बच्चों की जो मानसिकता है मजबूत बने रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बने रहे और बच्चे जो हैं वो अपने आप में हमेशा पॉजिटिव रहें। और एक बात और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को हमेशा बताएं कि कोई काम छोटा नहीं होता है और हर छोटे काम को करके वो काम बड़ा किया जा सकता है। तो बच्चे के अंदर कभी भी किसी भी कार्य को करने की जो हीन भावना है वो कभी भी उनके मन के अंदर नहीं आएगी। तो आज बहुत जरूरत है इस तरह की इनोवेशन की, इस तरह की डिवोशन की कि बच्चे जो हैं वो अपने काम के प्रति समर्पित हों, रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेवार बने, संस्कार बने। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इसी के साथ जल्द देंगे अपने दोस्त को जय हिंद।